हाय एवरीवन, माय नेम मोहम्मद हसन। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मैट्रिक पास स्टूडेंट्स के बारे में। जब स्टूडेंट्स मैट्रिक पास करते हैं तो उनको अवेयरनेस नहीं होती कि उन्होंने कौन कहाँ पे एडमिशन लेना है, किस फील्ड में जाना है, क्या करना है। उसकी वजह ये होती है कि उनको भी आइडिया नहीं होता और उनके वालदैन भी इस चीज़ से अवेयर नहीं होते। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद उन बच्चों के लिए है जिनको इन चीज़ों में प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जब आप मैट्रिक साइंस के साथ या आर्ट्स के साथ करते हैं तो साइंस के स्टूडेंट्स के लिए चार ऑप्शन होती हैं आफ्टर मैट्रिक। नंबर वन, एफएससी कर सकते हैं प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल में। सेकेंड, बीकॉम कर सकते हैं, आईसीएस कर सकते हैं और बीए एसोसिएट इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अब एफएससी का क्या फ्यूचर स्कोप उनको मिलता है? तो एफएससी में नंबर वन, कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं, कैडेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोर्सेज में ऑफिसर्स के लिए। सेकेंड, बैचलर कर सकते हैं किसी भी फील्ड में, इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। अब जब आप डिप्लोमा करते हैं तो डिप्लोमा में आपको एक एडवांटेज मिल जाता है कि आप जॉब भी कर सकते हैं, जॉब के साथ साथ आप अपनी एजुकेशन को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन बॉटल नेक क्या है बीई का, कि आप बीई या बीएससी नहीं कर सकते। आप बीएस टेक्नोलॉजी करेंगे या बीटेक करेंगे, क्योंकि ये लोग डे में जॉब करते हैं और सेकेंड टाइम क्लासेस अटेंड करते हैं या वीकेंड क्लासेस में होता है ये दोनों डिग्रीज। तो ये डिप्लोमा वालों को फायदा होता है एज कम्पेयर टू एफएससी। तो एफएससी का स्कोप बहुत ज्यादा है, आप उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आईसीएस स्पेसिफिक आप कंप्यूटर फील्ड में चले जाते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं कि आपने कंप्यूटर में ही जाना है, आप उसके बाद अपनी फील्ड को डाइवर्सिफाइड भी कर सकते हैं। किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में एडमिशन ले सकते हैं, कॉमर्स में जा सकते हैं, मैनेजमेंट साइंसेस में जा सकते हैं, ये डिपेंड ऑन यू। बीकॉम का भी सेम सिनेरियो है, जब आप ये चारों डिग्रीज कर लेते हैं एफएससी, बीई, आईसीएस और डीकॉम, तो आप 12 ईयर एजुकेटेड हो जाते हैं। उसके बाद 16 ईयर एजुकेशन में आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। तो ये मैंने मुनासिब समझा वीडियो बनाना। इसके बाद अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल में बहुत सी चीज़ें और देखेंगे कि किस तरह बीई वाले आगे जा सकते हैं और आफ्टर ग्रेजुएशन कौन कौन सी फील्डें हैं, किन यूनिवर्सिटीज़ में आपने दाखिला लेना। तो ये सारी चीज़ें आपको मेरे इस चैनल पे मिलती रहेंगी। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको डेली बेसिस पे मिलती रहेंगी। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.